हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक मेडिकेटेड क्रीम के बारे में ही। वैसे तो आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर भी लोग बिना देखे बिना सोचे कुछ एक स्टेरॉयड क्रीमों को यूज़ करते हैं और उनके जो रिजल्ट हैं वो उनको साइड इफ़ेक्ट के रूप में ज़्यादा मिलते हैं। तो आज भी मैं ऐसी ही एक क्रीम के बारे में आपको जानकारी दूंगी, जिससे अगर आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो आपको वो साइड इफ़ेक्ट कर रहा है तो आपको क्या वो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी मेलाकेयर स्किन क्रीम के बारे में। वैसे तो ये एक स्किन क्रीम ही है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा मेलास्मा की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कोई भी क्रीम अगर आप एक बार यूज़ करते हैं तो वो हमेशा के लिए मेलास्मा को नहीं ख़त्म कर सकता है। जब तक आप यूज़ करते हैं उसके फ़ायदे आपकी स्किन पर तभी तक रहते हैं। और ये जो मेलाकेयर क्रीम है ये एक स्टेरॉयड क्रीम ही है। इसमें 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। ये फर्स्ट है हाइड्रोक्विनोन जो कि 2% इसमें यूज़ किया गया है। ट्रेटिनोइन है, ये वाइटामिन ए ही है, इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल इसमें 0.025% किया गया है। ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें है मोमेटासोन जो कि एक स्टेरॉयड ही है, इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है 0.01% में। तो ये क्या करता है, जो आपकी स्किन पर जो रेडनेस है और जो बम्प हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट ही इसमें यूज़ किए गए हैं और ये क्रीम 20 ग्राम की आपको 175 में इजीली किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब तक आप इसको यूज़ करते हैं आपकी स्किन का कलर में आपको इम्प्रूवमेंट आने लगता है। इसके अलावा आपके जो डार्क स्पॉट मेलास्मा है वो लाइट होने लगता है, ये इसका फ़ायदा है। और सेकंड इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती जाती है और इसके अलावा आपकी स्किन रेड होती जाती है, आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है और इसको छोड़ने के बाद में जो आपका मेलास्मा है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सेकंड, अगर आप फिर भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पहले के मुकाबले और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी। तो अपने आप से इस तरह के प्रोडक्ट कभी भी यूज़ ना करें। अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं तो ही उनके अनुसार आपको यूज़ करने हैं, वरना इनको यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपको शुरुआत में थोड़ा ब्राइट कलर आपका कर सकते हैं, मेलास्मा को लाइट कर सकते हैं, बाद में इनके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।